रियो पैरालंपिक में भारत के लिए अच्छी खबर है। भारत ने एक और पदक हासिल कर लिया है। जेवलिन थ्रो में देवेंद्र झाझरिया ने गोल्ड जीता है। पैरालंपिक में यह उनका दूसरा गोल्ड है। उन्होंने 63.97 मीटर जेवलिन फेंक कर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया। 12 साल पहले 2004 एथेंस पैरालंपिक में भी उन्होंने गोल्ड जीता था। एथेंस पैरालंपिक में उन्होंने 62.15 मीटर जेवलिन फेंका था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। भारत का रियो पैरालंपिक में यह दूसरा स्वर्ण पदक है और इन खेलों में यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। इस पदक के साथ ही रियो पैरालंपिक में भारत के कुल पदकों की संख्या 4 हो गई है, जिसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है। वैसे भारत के ही एक अन्य एथलीट रिंकू सिंह भी इसी स्पर्धा में 5वें स्थान पर रहे हैं। आपको बता दें कि इस साल पैरालंपिक में भारत की ओर से जैवलिन में हिस्सा लेने 3 एथलीट गए थे। वहीं पीएम मोदी ने देवेंद्र को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी है। तो पैरालंपिक में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। भारत ने दूसरा स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। देवेंद्र ने तमाम मुश्किलों को पार कर जीत की एक और इबारत लिखी है। उन्होंने दिखा दिया कि रास्ते कितने ही कठिन क्यों ना हो, लेकिन जीतने का जज्बा साथ हो तो कामयाबी मिल ही जाती है। देखते रहिए डीबी लाइव।